हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लावण्या ब्यूटी व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक अनोखी वीडियो लेके आई हूँ। हमारे पड़ोस में लॉकडाउन में नई दुल्हन आई थी, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ उन सबका वीडियो। सो ये देखिए गाइस, नई दुल्हन ने एंट्री कर ली है गली में और सभी वेट कर रहे हैं दुल्हन को नीचे उतरने का, कि वो गाड़ी से नीचे उतरे, सब उनको देखे। और वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, तो इनके रीति रिवाज अलग हैं। तो ये हमारे यहाँ पे जो किराएदार हैं उनके यहाँ पे नई दुल्हन आई है, तो उनके रीति रिवाज थोड़े अलग हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि उनके जो रीति रिवाज हैं उनकी वीडियो बनानी थी मुझे। तो अभी ये नई दुल्हन को नीचे उतारेंगे, उससे पहले ये कुछ अपने रीति रिवाज करते हैं। वैसे दुल्हन को नीचे उतारने के लिए ये भी चीज़ देखते हैं किस साइड से नीचे उतारना है, तो वही डिस्कशन चल रहा था इनका कि किस साइड से नीचे उतारे। और अभी ये दुल्हन को नीचे उतारने से पहले कुछ दुल्हन के टीका विका लगाते हैं दूल्हे को और दुल्हन को। उसके लिए सभी को साथ में बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जब दुल्हन आती है तो सब इकट्ठा होके तभी उसको नीचे उतारते हैं, तभी उसका गृह प्रवेश कराते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ इनका रिवाज है वो ये कंप्लीट कर रहे हैं। दूल्हे को टीका लगाते हैं, दुल्हन को सिंदूर लगाते हैं, तो वो सब ये कर रहे हैं। वन बाय वन सब लेडीज़ करेंगी। तो ये दूल्हा है और दूल्हे की साइड में दुल्हन बैठी है। सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, हमें नहीं पता कौन कैसे करता है कैसे नहीं। इनके में इस तरह होता है कि पहले लड़के को टीका लगाते हैं, फिर लड़की को मांग में सिंदूर लगाते हैं। और सारी लेडीज़ जितनी भी हैं सब ऐसे ही करेंगी, पहले लड़के को टीका लगाएंगी, फिर लड़की को सिंदूर लगाएंगी। तो अभी इनकी सीट चेंज कराई है क्योंकि दुल्हन को लगाने में दिक्कत हो रही थी, सब लेडीज़ को लगाना है। मैंने भी लगाया था, मैंने भी किया था, मुझे नहीं पता था कैसे क्या करना है। तो मैंने भी दुल्हन को टीका लगा के सिंदूर लगाया था। और हम जैसे दुल्हन को सिंदूर लगाते हैं तो जो इसका सिंदूर है वो अलग है, दूसरे सिंदूर से हमें लगाएगी। ये पहले हमने इस सिंदूर से इसको लगाया, ये इसका अपना सिंदूर है, यही इसको लगाना है। इस सिंदूर से हमें नहीं लगाएंगे, हमें दूसरे सिंदूर से लगाएंगे। मैंने इसको लगाया है तो बाद में दुल्हन भी मुझे सिंदूर लगाएंगी। नई नई चीज़ देखने को मिलती है, अलग अलग परंपरा होती हैं, सबके रीति रिवाज अलग हैं। तो अभी सारी लेडीज़ दुल्हन को इसी तरह से सिंदूर लगाएंगी, दूल्हे को इसी तरह से टीका लगाएंगी। इनके में दही का टीका लगाते हैं, हमारे में रोली का टीका लगाते हैं। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं, आप सब इन्जॉय कीजिए इनके जो रीति रिवाज हैं, परंपरा है। ये इस तरह से टीका लगाते हैं लड़के को, पहले रोली का उसके बाद दही का टीका लगाते हैं। तो आप सब इन्जॉय कीजिए, मैं ये न्यू वीडियो, एक अनोखी वीडियो लेके आई हूँ। और आप सबको वीडियो कैसा लगेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। अभी आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, और सबके रीति रिवाज जैसे अलग हैं तो हमें भी कुछ अलग देखने को मिलता है। तो ओके गाइज, आप सब एंजॉय कीजिए वीडियो। वाला सिंदूर अंटेगा।
ले लो फोटो ला सिंदूर इनके को लगा दे वो सिनोरा बंद कर लो सही से उसी में उसी के पास रहेगा हम नहीं लेंगे। सो अभी यहाँ पे दुल्हन को नीचे उतार रहे हैं, कहते हैं पकड़ के और सभी एक साथ दुल्हन को नीचे उतारेंगे, अंदर लेके जाएंगे। आप सबको एक अलग चीज़ भी दिखाऊंगी कि इनके में कुछ अलग भी होता है। तो अभी शायद गांठ खुल गई इनकी, तो उसको दोबारा से लगा रही हैं। ये इस लड़की की मतलब दुल्हन की सास है और इनकी साइड में ही मेरी सास है। सो अभी ये दुल्हन को अंदर लेके जा रहे हैं। शाम का टाइम था तो थोड़ा अंधेरा भी था और लॉकडाउन में नई दुल्हन घर पे आए तो सबको इंटरेस्ट ही लगता है, सबको अच्छा लगता है। इनके में ऐसे होगा कि ये जो यहाँ पे टोकरा रखा हुआ है इसी के अंदर दुल्हन खड़ी होगी और इसी के अंदर दूल्हा खड़ा होगा। इसके आगे एक और टोकरा रखा है तो ये मतलब घर के अंदर ऐसे ही प्रवेश करेंगे वन बाय वन, एक एक टोकरे में, मतलब टोकरे दो हैं वो बदलते रहेंगे, आगे पीछे वाला आगे रखते रहेंगे, आगे वाला फिर से पीछे आ जाएगा। तो इसी तरह दोनों एक साथ टोकरे में खड़े होंगे, इसी तरह अंदर घर के अंदर प्रवेश करेंगे। मतलब ये चीज़ थी कि कुछ अलग है देखने के लिए, ऐसा भी होता है। तो ये वन बाय वन मतलब दोनों दूल्हा दुल्हन टोकरे के अंदर खड़े होके तब घर के अंदर प्रवेश करेंगे। आपने भी पता नहीं देखा है या नहीं, जिस जिसके घर में ऐसा होता है उन्होंने देखा होगा, बट मेरे लिए न्यू था तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाई। तो अभी यहाँ पे लड़की बैठी है अपना शगुन लेने के लिए। ये लड़की की बहन है दूल्हे की और वो अपना नेक लेने के लिए बैठी है। तो जिद करके बैठी है, दरवाजे पे कुर्सी लगा के बैठी है, नेक दोगे तब अंदर जाना होगा। और बेचारी को सस्ते में निपटा दिया। सो अभी अंदर भी थोड़ा रीति रिवाज करेंगे अपना, पहले भगवान को हाथ जोड़ते हैं, टीका लगा वहाँ पे भी सिंदूर थोड़ा लगाते हैं, वो ये सब करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी ये अपना थोड़ा कुछ पूजा करेंगे, कुछ खाना वगैरह निकालते हैं, पूरी वगैरह, तो वो सब भी आप देखना कि किस तरह से करते हैं। क्यों
को आप कंटिन्यू कीजिए, देखिए। और जिसके घर में भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताना कि किन के घर में ऐसा होता है। मुठिया भर ले, पेटावा मत काटो कर। तो अभी ये चावल डाल रहे हैं, एक एक मुट्ठी से डालेंगे, मतलब मुट्ठी से ही डालना है, मुट्ठी भर के डालना है और उसका हाथ भरना है। इसी तरह से अब ये यहाँ पे मीठा खिलाते हैं, दही और मीठा। तो पहले कहते हैं कि लड़के को खिलाना चाहिए, बट यहाँ पे हुआ क्या कि भाभी को खिलाने के लिए बोला था और दुल्हन ने खिला दिया। तो पहले लड़की लड़के को खिलाती है, उसके बाद लड़का लड़की को खिलाएगा। सो मैंने ये वीडियो बनाई थी आपने कि मैंने नहीं देखा ऐसा रीति रिवाज जो इनका रीति रिवाज है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।